नमस्कार, मैं हूं गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से, सर्विलांस सेल टीम द्वारा 8,75,000 रुपए के खोए हुए मोबाइल बरामद। जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक श्री विजय ढुल के निर्देशन में सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत आवेदकों के द्वारा विभिन्न तिथियों में मोबाइल फोन खो जाने के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच टीम द्वारा 81 मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत लगभग 8,75,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मोबाइल बरामद करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ध्रुव द्वारा बरामद मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंप दिया गया। संचित कुमार गुप्ता, आपके मोबाइल आज मिले हैं, कैसे खुशी लग रही है? हमें बहुत खुशी हुई है, पुलिस टीम को बहुत धन्यवाद कि हमारे तीनों फोन प्राप्त हो गए हैं। कब गिरे थे ये? 1 साल पहले गिरे थे जी। आज मुझे प्राप्त हो गए हैं। मैं ओएल का रहने वाला हूँ। मैं पुलिस वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अंजलि मिश्रा, क्या हुआ था आपका मोबाइल? मेरा फ़ोन 1 साल पहले खो गया था, फिर लखीमपुर खीरी पुलिस ने मेरा फ़ोन मुझे वापस मिल गया। क्राइम ब्रांच की पुलिस से मेरा फ़ोन वापस मिल गया। इसके लाए क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं आप? अक्सर पुलिस को यह रिपोर्ट मिलती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कि उसका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है या मिसप्लेस हो गया है। इसी क्रम में सर्विलांस सेल के द्वारा आज 81 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनका पहले से लॉस रिपोर्ट दर्ज थी, जिसकी अनुमानित वैल्यू लगभग 8,75,000 रुपये है। देखिए, आज के समय में मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से ही हम जिसमें हमारे सभी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारे ईमेल, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो हम शेयर करते हैं वो सब मोबाइल से एक्सेस करते हैं। उसके अलावा मोबाइल पे अपने परिजनों के और अपने दोस्तों के साथ फोटोग्राफ्स और जो अच्छे पलों की यादें लोग सजो के रखते हैं। ऐसे में मोबाइल फ़ोन का गुम होना काफ़ी कष्टकारी होता है, और इसी मुहिम के तहत ये सभी मोबाइल बरामद करके जो उनके धारक हैं, राइटफुल ओनर्स हैं, उनको आज वापस किए जा रहे हैं। आज के समाचार में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव न्यूज़।